मेरा नाम है रोशनी सिंह और मैं आज से अगस्त महीने में अचानक में मेरा पर्चा बना था। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले से नाम लिखा होता है, पहले से गुरुजी की सेटिंग होती है, सब गलत। यहाँ जब दो दिन के दरबार के लिए आए थे गुरुजी नागपुर में, वहाँ पे मैं घर से अपने मार्केट के लिए निकली थी, लेकिन मेरी बुद्धि ऐसी घूमी कि मैं रजवाड़ा पैलेस जाके पहुँच गई। ना मेरे पास VIP पास था, ना कुछ था, मैं अपने घर के काम से निकली थी, लेकिन अचानक वहाँ मेरा गुरुजी ने 3,500 पब्लिक में मेरा नाम लेके मुझे पुकार के बुलाया। और वो और बाहर खड़े थे। बाहर से मैं कैसे अंदर गई, वो सब मेरे लिए एक शौक था, चमत्कार था। इसलिए मैं बोलती हूँ ये सब सच है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। और रही बात पर्चा बन के कृपा होगी, ये गलत है। सिर्फ मन की श्रद्धा यहाँ जरूरी है। आप अगर दिल से उनको मानते हो, एक बार सिर्फ सन्यासी बाबा या बागेश्वर जी का नाम लेते हो ना, तो भी आपके सारे कष्ट हरने नहीं लगे, तो मेरा नाम बदल दे। अचानक बैठे बैठे ऑफिस में मेरा दिल किया, उनके वीडियोस मैं फॉलो करती थी, वो वीडियोस देख देख के मेरा मन किया कि मैं जाऊँ, और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम लोग दोनों लड़कियाँ निकल गए। मैं पूरे दिन यहाँ सेवा, आज मैं 7 महीने से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ और मैंने पूरे दिन यहाँ सेवा दी। और हम सब लोग आपको ये बता रहे थे, आइए आप सब लोग आइए, हमारा सारा ग्रुप आइए, तो हमारे पंडाल सही। हम लोग 2 महीने से हवन चल रहा है, जो विभूति बन रही है उसके लिए सभी महिलाओं ने बहुत मेहनत की है। हवन में जो हवन की जो विभूति निकलती है उसको छानना, भभूति जो हम जो सन्यासी महाराज की भभूति है उसको पुड़िया बनाना और छानना, और जो भी आहुति जो भी मानेंगे। कल से हम लोग सोए नहीं है, हम रात भर गुरु जी के लिए बैठे हैं, और हमारे साथ गुरु जी भी भूखे थे और हम भी भूखे थे। हम ये जानते हैं भैया कि यहाँ पे हम सब एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन बागेश्वर बालाजी महाराज ने हम सबको एक परिवार बना लिया, और हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी दोस्ती न टूटे। ये ग्रुप है, ये आगे तक हम लेके जा रहे हैं। नागपुर बागेश्वर परिवार थे हमारा, ये बागेश्वर परिवार, बागेश्वर परिवार है, ये नागपुर बागेश्वर है, एक पहचान। और मैं गुरु, हाँ गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करती हूं कि ये आगे बढ़ा रहे। ये कार्ड को अभी परमानेंट बनवाते हैं, ये कार्ड को अभी हमने अर्जी डाली है कार्यालय में, परमानेंट जो अच्छा वाला कार्ड होता है ना वो बनवाए हमको परमानेंट। आप नहीं जानते इस कार्ड की वैल्यू क्या थी, हम इस सामग्री लेवल पे आके हमने इसके लिए जो मेहनत की थी, 6 महीने से हम इस कथा से जुड़े हुए हैं, इसकी तैयारी से जुड़े हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यवती मानते हैं कि जो हमको ये कार्ड मिला है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस कथा के लिए हमने पिछले 2 महीनों से जोर शोर से तैयारी की थी, जिसके लिए हमें 5 लाख पूड़िया बनानी थी, वो हम सब ने मिल के 5 लाख पूड़िया बनाई थी, और आज वो आज और कल में सभी को बहुत अच्छे से बांटी गई है, हर किसी के घर में एक एक पूड़िया पहुंच गई है। इसका श्रेय ये था कि जो भी कथा होने जा रही है वो बहुत अच्छे से हो, उसमें कोई विघ्न ना आए, और बहुत जोरों शोरों से, मतलब बिना विघ्न के आते हुए अच्छे से निभे, इसलिए ये कथा रखी, मतलब हवन रखी गई थी, जो पूरे 1.25 महीने तक हवन चली है, उसी में से जो 1.25 या 1.5 महीने तक जो चली है उसमें से जो भभूति निकली है उसी की पुड़िया बना के गुरु जी ने अपने मंत्र से ये करके हम अभिमंत्रित करके सब में बांटी गई।